और ये विश्वास यात्रा है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से स्टेज पर पहुंच चुके हैं और तमाम तैयारियां, तमाम लोग जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जन सैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा हुआ है। गाजियाबाद से इस विश्वास यात्रा की शुरुआत जो है वो हो रही है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस जन विश्वास यात्रा के जरिए आम जनता के बीच में वो विश्वास कायम करने की कोशिश की जा रही है कि अगर प्रदेश का विकास हो सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी की सरकार ही कर सकती है, बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। अब आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, देखिए अलग अलग एंगल से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं तो कितना जनसैलाब उमड़ा है, कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं, तमाम युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही प्रदेश और देश का विकास होगा। ये तमाम तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज गाजियाबाद में पहुंचे हुए हैं और यहां पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार कई दिनों से तमाम तैयारियां हो रही थी और जन विश्वास यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है और ये यात्रा प्रदेश के कई जिलों तक जाएगी। गाजियाबाद की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज गाजियाबाद में पहुंचे हैं। लगातार प्रदेश के हर एक जिले, हर एक कोने कोने में जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम रणनीति बनाई जा रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो विचारधारा है उस विचारधारा को वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के हित में विकास लगातार बीजेपी की सरकार कर रही है और आने वाले वक्त में अगर जनता बीजेपी को चुनती है, जनादेश बीजेपी को मिलता है तो कहने का ऐसे लगातार विकास पर कार्य होते रहेंगे।
और ऐसे में देखिए लगातार अगर हम बात करें, तमाम बड़े चेहरे भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तमाम तैयारियां लगातार कई दिनों से हो रही थी। अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक एक कर हर एक जिले में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वजह, चुनाव नजदीक है और जनता का विश्वास इकट्ठा करने में, जनता का विश्वास बटोरने में लगातार प्रदेश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार लगे हुए हैं। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, या फिर अन्य अन्य दलों की बात कर रहे हैं, पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जनता तक पहुंचा जाए, जनता के दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना जाए और इन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी लगातार तमाम बयानबाजियां हुई हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी और इसी तमाम बयानबाजियों के दौरान जो है अलग अलग राजनीतिक दल के मुखिया, तमाम बड़े नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और इसी दौर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। वहां पर आप देख पा रहे हैं जन सैलाब उमड़ा है, रात के वक्त में भी, इस ठंड के मौसम में भी लगातार लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, उन्हें देखने के लिए लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से भी तमाम तैयारियां हुई हैं और इन तमाम तैयारियों के साथ आज कड़ी सुरक्षा के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं। से पहले आपसे कहा था, सो करके दिखाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो या फिर कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्यक्रम, भाइयों बहनों यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। और आज ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आपसे लेने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। और आज आप सभी लोग एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देंगे तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश देश के अंदर बनाने का कार्य भी करेगी। आज हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि हम सुशासन दिवस पर गाजियाबाद में आए हैं। आज सर्वदलीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती भी है और अटल जी ने तो देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। हम सब सर्वदलीय अटल जी को इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं गाजियाबाद से जुड़े हुए आप सभी उत्साही नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा और समृद्धि के अपने अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके हितों को हर प्रकार से संरक्षित करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके आशीर्वाद के लिए जन विश्वास यात्रा चल रही है। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं पानी को देता विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।